हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं JSSC स्ट्रीट लाइट के अंदर जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन लाऊंगा जो कि JSSC स्ट्रीट लाइट के अंदर खूब पूछे आते हैं क्वेश्चन इमेज बेस्ड वाले, ठीक है। तो इमेज वाले जो भी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रिलेटेड इमेज वाले जो भी क्वेश्चन है, उसको मैं लाया हूँ आप सबके सामने। और आप सब इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, मैं आपको बताऊँगा अभी PDF कैसे आपको प्राप्त करना है, ठीक है। और बहुत सारी इमेज है जो कि अलग अलग टाइप के इमेज है जो कि आपको एक साथ नहीं मिल पाते हैं कोई भी बुक में, और जो डिफरेंट टाइप के उनको याद आपको कैसे रखना है, सब ट्रिक मैं बताऊंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इमेज वाले, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इमेज वाले वीडियो को। तो इमेज वाले वीडियो में जो सबसे पहला, सॉरी एक इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो इससे पहले अपलोड किया था, उसमें हमको 2 सितंबर में बार बार 2 सितंबर ही बोलते जा रहा था, बल्कि सॉरी 2 सितंबर से 20 अक्टूबर तक था, ठीक है, उसका डेट है। मैं बार बार याद करके गया था कि 20 अक्टूबर बोलना है, मैं बार बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, 20 सितंबर ही बोल के चला जाता हूँ, 20 सितंबर मैं बार बार 20 सितंबर ही बोलते जा रहा था, तो सॉरी फॉर दिस, मतलब 20 अक्टूबर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे में वीडियो में एक बार पिन कर दिया हूँ कमेंट को, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो 20 अक्टूबर वहाँ पे हो जाएगा, 2 से 20 अक्टूबर, थोड़ा अजीब सा टाइम है JSSC का, समझ हमको खुद नहीं आता क्या क्या टाइम दे रखा है JSSC। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इमेज वाले क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, ठीक है। देखिए इमेज वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं, आपको पहचान करना है इसमें इमेज कौन कौन सा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो हमको देख ही रहे हैं कि कौन कौन सा आपको इमेज देख रहा है, जैसे लैंप का हो गया, वोल्टमीटर का हो गया, एमीटर का हो गया। पहले मैं इजी वाले दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप बाद में डिफिकल्ट वाले में धीरे धीरे दिखाऊंगा आपको कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा आपको ध्यान रखना है इसमें। देखिए तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको इसको ध्यान रखना है, वेरिएबल रजिस्टर को, ठीक है। जहाँ भी एरो लग जाता है ना, रजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, जैसे एरो लग गया ना तो ये वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी एरो वाला सीन लग जाता है ना, एरो वाला, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, तो वहाँ वेरिएबल बन जाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है एक वेरिएबल रजिस्टर का, ठीक है, बट आपको ध्यान दोनों रखना है, ठीक है। सारे जितने भी हैं ना, 6, इस सबको 6 को ध्यान रखना है। बहुत सारे इमेज वाले लोग हैं, 50 के आसपास में आपको सारा दिखाने वाला होगा, आप पेशेंस रखें। देखिए यहाँ पर लैंप का हो गया, एक इसका ध्यान रखिए आप, और एक रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर का ध्यान रखें, ठीक है। इस दोनों का आप ध्यान रखिएगा इस 6 इमेज में, क्योंकि वोल्टमीटर एमीटर का ज़्यादा नहीं पूछता है, फिर मैं आपको दिखा दी हूँ एक बार कैसा होता है, ठीक है। और मोटर का भी ऐसा होता है, कुछ मोटर का भी कई बार पूछ जाता है, रजिस्टर का सिंपल होता है, रजिस्टेंस का होता है जो कि आप ऐसे देखते होंगे, रजिस्टेंस का होता है, ठीक है। रजिस्टेंस का पूछता नहीं, क्योंकि रजिस्टेंस को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के सब बच्चे को पता होता है, इसलिए इसका नहीं पूछता है, ठीक है। तो आपको इसका और इसका इस वीडियो में 6 में इसको 2 को याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। मैं आपको PDF दे दूंगा बाद में, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे PDF मिलेगा, ठीक है। यहाँ 2 आपको ध्यान रखना है, एक ये और एक ये। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट कौन कौन सा है आपके पास। देखिए नेक्स्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाले में आपको कौन कौन सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाले में देखिए आपको ध्यान रखना है एक, मैं बता दूं आपको, एक यहाँ पर स्विच का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है स्विच का, जो स्विच है ना, सिंपल स्विच की बात हो रही है। तो स्विच कैसे है देख सकते हैं आप, एक यहाँ पर ओपन है, ठीक है, अभी क्लोज नहीं, जैसे ये डंडा नीचे आ जाता है क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये स्विच को ध्यान रखना है। सेल बैटरी आप देख लेंगे, थोड़ा सा रिकॉल रखेंगे, सेल एक हो जाता है, बैटरी बहुत सारे कनेक्ट कर देता है, आपको पता है नंबर ऑफ सेल जब कनेक्ट हो जाते हैं तो बैटरी बन जाते हैं, तो बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाता है, सेल के नंबर ऑफ सेल कनेक्ट कर देता है तो बैटरी बन जाता है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं ऊपर में DC सप्लाई है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, AC सप्लाई पता ही होगा जो कि साइनोसॉइड है। वायर क्रॉसिंग आपको पता है कि जब भी कोई वायर को खींचते हैं आप तो क्या करते हैं, इसके ऊपर वायर को जब भी आप खींचते हैं कोई, तो वायर खींचते हैं तो क्या करते हैं, वायर खींचने पे आप कोई भी वायर को खींचते हैं तो ऐसे कर देते हैं ना, जैसे बीच में वायर गया हुआ है तो इसको करते हैं तो ऐसे पास कर देते हैं, मतलब क्रॉस कर देते हैं, उसको ओवरलैप कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखना। और बाकी एक डायोड का ना, इस डायोड वाला देख रहे हैं यहाँ पे लाल कलर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये डायोड को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, डायोड को ही पूछ दिया जाता है। इसमें अलग अलग टाइप होते हैं, उसको मैं बताऊँगा आगे, चलिए कौन कौन सा टाइप है। डायोड का सिंपल डायोड ऐसा होता है, ठीक है। और वायर क्रॉसिंग वाला ये भी देख सकते हैं आप, वायर क्रॉसिंग वाला जो कि वायर है इसमें से हमको क्रॉस करना है, तो देख सकते हैं कैसे क्रॉस किया हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, तो वायर क्रॉसिंग। बाकी ये दोनों इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है और एक वायर क्रॉसिंग को ध्यान रखना है। चले फिर हम आ गए, क्योंकि इसमें भी 2 आपको ध्यान रखना है। इसमें कितने फिगर है, 7 फिगर है, पिछले बार कितने थे, 6 थे, मतलब सोच सकते हैं 13 फिगर अभी तक आपने देख लिया, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट में देखिए क्या है, नेक्स्ट में देखिए आपको वही है वोल्टमीटर एमीटर वेरिएबल रजिस्टर। देखिए जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, वो कुछ ऐसा कलर में आपको दिखाई देगा, वहाँ पर लाइट में कलर दिखाया था बट कलर ऐसा रहेगा, तो आप कन्फ्यूज जाएंगे, सर कलर नहीं दिख रहा हमको, तो आप ध्यान रखिए कलर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, हल्का सा मध्यम कलर देगा कि आपको पहचानने में दिक्कत हो वहाँ पे, ठीक है। तो इसी आपको ध्यान रखिएगा कि कलर कुछ ऐसा आ जाता है, मैं कि एग्जाम वाले पैटर्न से हम उठाया हूँ ये कुछ इमेज आपको, तो वही चीज़ है, ठीक है। 6 हो गया अलग,
इसमें भी आपको दो ही ध्यान रखना है, लैंप का और जो वेरिएबल रजिस्टर। एक लैंप का आपको ध्यान रखना है, जो लैंप आप देख रहे हैं इसका, और एक वेरिएबल रजिस्टर इसका। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा इमेज है वो है, देखिए हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो सिंगल फेज इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर और थ्री फेज मोटर, ठीक है। देखिए ये है सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर है। देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, एस एम लिखा हुआ है, ठीक है। सिंगल फेज है, यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल फेज, फेज का यहाँ पर सिंगल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल फेज है, सिंगल मतलब सिंगल फेज होगा, ठीक है। अगर वन लिखा हुआ है तो सिंगल फेज है, थ्री लिखा हुआ है थ्री फेज, और मोटर में एम लिखा होता है, ठीक है। और सिंक्रोनस मोटर है तो यहाँ पर एम और एस लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और आईटीआई लेवल पे एग्जाम होता है उसमें पूछा ही जाता है। और एसी का सिंबल आपको पता ही है, देख सकते हैं एसी का सिंबल कैसा होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो साइनोसोडियल टाइप का होता है वैसा होता है। और बाइंडिंग का यहाँ पर दे दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सिंबल है ना, बाइंडिंग का दिया गया है, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग जो भी होता है हमारे पास अलग अलग टाइप का, उस सबको दिया गया, हम डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों को ध्यान रखना है, इन दोनों को ध्यान रखना है, थ्री फेज और सिंगल फेज दोनों को, इसको बार पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखिए हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाई साहब को आप भूलेंगे नहीं, जो ये मोटर है ना ब्रशलेस डीसी मोटर, ये हम बता दो ना कई बार पेपर में पूछा गया है, जो ब्रशलेस डीसी मोटर है इसको आप इतने अच्छे से याद कर लें, देख ले कि जहाँ भी ऐसा कटा हुआ डिजाइन हो ना, ये ब्रशलेस डीसी मोटर है। ऐसे दिख रहा होगा आपको, ब्रशलेस इसका नाम है, ठीक है, ब्रशलेस नाम है, ठीक है, मतलब ब्रशलेस है, इसमें ब्रश नहीं होता, ठीक है, ब्रशलेस डीसी मोटर है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है आपको ना, मल्टीपल पेपर में जहाँ इमेज आते हैं ना वहाँ पर पूछा जाता है, UPPCL के अंदर, UPRVNL के अंदर, EPPCL JEE के अंदर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें। और एक सर्वो मोटर में सीधे एस लिखा होता है, ठीक है, इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इस वाले को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस वाले को हर हाल में याद रखेंगे, ब्रशलेस डीसी मोटर को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये हो गया, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट में क्या है, डीसी मोटर। देखिए डीसी मोटर में क्या है, डीसी का सिंबल यहाँ पर दे दिया गया। देखिए डीसी का सिंबल आपको पता होगा कि डायरेक्ट होता है, और फिर यहाँ पर डॉटर दिया गया, तो मोटर का डीसी मोटर का सिंबल होगा, ठीक है। और एसी में आपको पता है इसे कुछ साइनोसोरियल टाइप का होता है, ठीक है, तो एसी का ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो एसी वाले पहचान गए होंगे आई थिंक, मेरे जहाँ भी ऐसा कुछ सिंबल दिखे ये एसी का हो जाता है, और जहाँ भी डायरेक्ट दिखे, ठीक है, ये क्या हो जाता है, डीसी का हो जाता है, ठीक है। तो इसी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, थोड़ा हल्का हल्का ध्यान रखिएगा, बट पीछे वाला जो मैंने बताया ना उसको बहुत अच्छे ध्यान रखना। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर मोटर। जो लीनियर मोटर है ना, लीनियर मोटर में क्या होगा कि आपका जो सिंबल लीनियर दिया होगा, ठीक है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर लीनियर दिया गया है, लीनियर दिया गया है, यहाँ पर जो भी दिया गया है ना, यहाँ पर लीनियर दिया गया है, यहाँ पर जो लीनियर मोटर दिख रहा है आपको, लीनियर दिया गया है, ठीक है, देख सकते हैं सिंपल चिन्ह पार दिया गया है। फिर स्टेपर मोटर में क्या है, देखिए स्टेपर मोटर में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, स्टेपर मोटर में देखिए एक यहाँ पर स्टेप बनाया गया, जैसे ऊपर से देख सकते हैं, ऊपर से फिर नीचे की तरफ लाया गया है, ठीक है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब स्टेप बनाया गया है, सीढ़ी का स्टेप देखे तो उस टाइप का स्टेप बनाया गया है। तो जहाँ भी स्टेप टाइप का बना होगा वह ध्यान रखेगा स्टेपर मोटर है, ठीक है। तो आप ये दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पेपर में पूछा गया है, बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बताया कि मैं ऐसा ही इमेज लाया हूँ जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में देखिए हमारे पास क्या है, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसमें आपको वो ट्रिक बताता हूँ। आप एक NPN नाम सुनिएगा, NPN क्या होता है, देखिए NPN होता है, NPN ट्रांजिस्टर होता है, जिसे देख सकते हैं NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और एक होता है PNP जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। PNP और NPN का आपको पहचान कैसे करना है, देखिए ट्रांजिस्टर का तो आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ है, लगभग सारे बच्चे जानते होंगे इलेक्ट्रिकल का है तो, लेकिन NPN और PNP का कैसे पहचान करना आपको पता है। देखिए NPN मतलब क्या हुआ, इसमें ना निकास हो रहा है, N मतलब निकास, मतलब निकल रहा है, N4 निकल रहा है, तो जहाँ भी ये सिंबल होगा ना उसमें से ऐसा नीचे की तरफ निकल रहा होगा, ठीक है, जिसे कि देख सकते हैं इसमें से निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं निकल रहा है, ठीक है। और P मतलब क्या होता है, P4 होता है प्रवेश, तो प्रवेश मतलब क्या हुआ, देख सकते हैं पर ये जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर पी मतलब ऐसा होगा ऊपर की तरफ जा रहा होगा, उस मतलब जा रहा होगा, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सारा चीज़, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बना चुका है कि NPN, N मतलब क्या हुआ, NPN मतलब क्या होता है, निकल रहा है, ठीक है, N4 निकल रहा है, ठीक है। और P4 क्या होता है, P4 होता है यहाँ पर प्रवेश, मतलब प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिसे देख सकते हैं यहाँ पर प्रवेश कर रहा है, ठीक है, एरो बना हुआ है, एरो कुछ ऐसा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और NPN में क्या होगा, NPN में देख सकते हैं निकल रहा है एरो, मतलब एरो नीचे की तरफ होगा। तो ये बहुत अच्छा मैं आपको ट्रिक बताया कि याद कैसे रखना है, NPN मतलब निकास हो रहा है, P4 प्रवेश हो रहा है, ठीक है। तो छोटा सा मतलब आइडिया था मेरी तरफ से, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या देख रहे हैं, NPN PNP याद रखना ही है। फोटो डायोड, देखिए फोटो डायोड में क्या होता है कि एरो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो आपको पता है फोटो क्या करते हैं, आप लोग घींचते हैं तो अपने पास लाते हैं ना घींच के,
ठीक है, फोटो डायरेक्ट मतलब एरो का ध्यान रखना है। फोटो डायरेक्ट मतलब क्या होता है, एरो आपके पास आता है, मतलब फोटो खींच के आप अपने पास रखते हैं तो फोटो डायरेक्ट का ऐसा हो जाता है। और लाइट का क्या होता है, लाइट ऊपर भागता है भाई, आप लाइट घर में जलाते हैं तो क्या होता है, लाइट आपके घर से बाहर जाता है ना, तो लाइट बाहर जाता है तो एरो क्या हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं फोटो डायरेक्ट और लाइट इमिटिंग डायरेक्ट में। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। फोटो डायरेक्ट में क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, एक बार आप इसको अच्छे से देख लेंगे। देखिए फोटो डायोड में क्या है कि लाइट देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब फोटो खींच के आप ला रहे हैं, और लाइट इमिटिंग डायोड में क्या है, लाइट बाहर की तरफ जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर लाइट बाहर की तरफ निकल रहा है। तो आपको बेसिक सा लॉजिक है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और एक यहाँ पर है थायरिस्टर, थायरिस्टर को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसको कि आप अलग अलग नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अलग नाम से जैसे आप पढ़े होंगे, थायरिस्टर हो गया, BJT हो गया, ठीक है, अलग अलग चीज़ होता है। तो यहाँ पर थायरिस्टर के मेनली SCR के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के। देखिए एक इसमें क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, ये जो ये उभरा हुआ टर्मिनल है ना, इसको हम गेट बोलते हैं, गेट टर्मिनल। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें छः है ना, छः भी इंपॉर्टेंट है, तीन तो डायोड होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, तीन ट्रांजिस्टर है, NPN PNP और फोटो ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आपको मैंने छः के बारे में बताया यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो आप ना PDF में दूंगा, तो इसको अपना घोल के पी जाना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से आता ही है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट बेसिक सा, देखिए मैं आपको पहले बताया था, देखिए यहाँ पर इंडक्टर का हो गया कुछ बेसिक, जिस इंडक्टर आप देखे हुएगा, मैंने इसलिए ला दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता इंडक्टर के बारे में, ठीक है, कैसा है। फिर देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का ऐसा होता है कुछ, ग्राउंड का कुछ ऐसा होता है, ग्राउंड अर्थिंग लिखेगा। कैपेसिटर का देखिए, ये वेरी कैपेसिटर का दिया गया, ठीक है। फिर लैंप का देखिए, लैंप का ऐसा सिंबल है, ठीक है। स्विच का देखिए, टू पोल सिंगल पोल जैसा ऐसा है, स्विच ओपन क्लोज, ठीक है, अलग अलग चीज़ दिया गया यहाँ पर, आप देख लेंगे एक बार, ठीक है, ज़्यादा टाइम में यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा आप, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट बहुत बेसिक समय लाया, देखिए यहाँ पर फ्यूज हुआ, तो फ्यूज क्या है, फ्यूज यहाँ पर देख सकते हैं, फ्यूज यहाँ पर ऐसा कुछ बीच में से ना एरो सा काटा होगा फ्यूज का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। LDR बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, LDR को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, LDR बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना कई बार पेपर में पूछा गया है, LDR रजिस्टर लाइटिंग डिपेंडेंट, ठीक है। तो लाइटिंग का मतलब इसमें क्या होता है कि लाइट मतलब में नीचे की तरफ आने लगता है, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा पूछता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे कि LDR वाले में क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक मैं आपको बहुत सारे बताया, बहुत सारी इमेज मैंने आपको बताया हूँ, लगभग ना हर में 6-7 इमेज है, मतलब ना आपको 45-40 तो मैंने बता दिया होगा इमेज। और इसका PDF कैसे लेना है, देखिए PDF के लिए ना आप मेरे को ना एक बार ना इस पर मैसेज कर देंगे, ठीक है, इस नंबर पर ना मैसेज कर देंगे, क्योंकि मैं कहीं नहीं नंबर दूँगा, क्योंकि बार बार मैसेज आने लगते हैं बच्चे के, ठीक है, इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा ना व्हाट्सएप में से, तो मैं आप PDF ही बना रहा हूँ, ठीक है, इसका है मेरे पास इमेज, ठीक है, 7632 है 9849 89 पे आप मैसेज कर देंगे ना हमको, तो हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक, और भी मटेरियल जो भी होगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं कमेंट बॉक्स में बार बार नहीं बताऊंगा कि कहाँ PDF मिलेगा, ठीक है, तो आप PDF के लिए मैं बोला था कि अंत तक वीडियो को देखिए आपको पता लग जाएगा, तो यही है कि आप PDF के लिए हमको यहाँ पर मैसेज कर देगा। मैं इसका PDF बना लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि हर के सबके मोबाइल में PPT नहीं है, तो मैं PPT में ना बनाकर मैं सिंपल PDF बनाऊंगा ताकि आप सब एक्सेस कर सके इसको, ठीक है। तो इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा हमको, हम वहाँ पर PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, मैं खुद दे दूंगा आपको, तो आप टेंशन रहिए PDF के लिए। और इतना इमेज है ना, और भी मेरे पास इमेज है, और कभी मैं दे दूंगा, इतना तो मैं दिखाया, ज़्यादा नहीं लिया था आपके सामने, देख सकते हैं बहुत सारा है, और जो भी है मतलब इमेज वाले और भी मेरे पास है, उस सबको हम ऐड डाउन करके मैं आपको सारे दे दूंगा, ठीक है। सो आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर ले छोटी मोटी अपडेट पाने के लिए, और भी JSSC हो गया, SSC JEE कोई भी एग्जाम हो टेक्निकल, उसके लिए मैं अपडेट लाता रहता हूँ। तो सो थैंक यू सो मच, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।